चाय। लो भाई शहनाज, आपको कुछ मालूम भी है कि आपका दामाद लाहौर चला गया है और आपकी बेटी किस बात पर गुस्सा है पता नहीं, इत्मीनान से अपने अब्बा के घर में बैठी। मैंने आपसे कहा था ना कि भाग जाएगा, भाग गया। पता नहीं कैसी मुतमईन रूह हैं, जवाब नहीं इसे। मैं तो कह रही हूं आपसे, कोमल से कहें कि अपने घर जाए। कैसे कह दूं शहनाज, ये मैं नहीं कह सकता। बेटी है मेरी, हजार दफा तुम्हें बताया है, बोझ नहीं है मुझ पर। मुझ पर है? जमाने पर बेटियां बोझी हुआ करती हैं, और वैसे भी ये तो खुद एक बेटी की माँ है। कमाल करते हैं आप, बेगम बन जाने से नौकरी नहीं मिल जाती। उमर ने इस महीने भी पैसे नहीं दिए, वरना ऐश करती। अब तो फराटे से हमारा इसी चल रहा है। हमें तो अपनी नानी याद आ गई बिल देखकर, लेकिन उसकी बला से, उसके शौहर ने तो उसे हिसाब करना ही नहीं सिखाया। लेकिन हम तो अपनी चादर में रहते हैं ना। आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि आपकी बेटी का गुजारा मिडिल क्लास घराने में नहीं हो सकता? समझाएं उसे, आज हम मरे कल दूसरा दिन, उमर तो छोड़कर चला गया, कौन संभालेगा इसे? बाजल, खुद को संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। अगर उमर ने इसे छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? लड़का दूसरी शादी कर चुका है। ख्याली पुलाव कब तक पकाएंगे, कब तक खाएंगे, बताएं ना मुझे। अरे बताएं ना। क्या बताऊं, बात तो परेशानी की है। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कहता हूं तुम अपने घर जाओ। तुम अपने घर में होगी ना, तो वो 10 मरतबा सोचेगा कोई भी कदम उठाने से पहले। तुम क्यों नहीं समझती कि वो एक मर्द है, कुछ भी कर सकता है? क्या मिलेगा तुम्हें जिद करके? अब्बा वो अगर दूसरी बीवी को लाया तो मैं कत्ल कर दूंगी। नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। तुम्हारे होते हुए और तुम्हारी बेटी के होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता। ये मैं तुम्हें एक मर्द की साइकी बता रहा हूं, एक मर्द होते हुए। लेकिन इस वक्त वो गुस्से में है बेटा, इस वक्त गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकता है। मुल्क छोड़ के जा सकता है, भाग सकता है, छोड़ सकता है। क्या कर लोगी तुम? आप कॉल करें उसे, कॉल करके डांट के पूछे उससे कि कहाँ है वो। क्या वो डर जाएगा मुझसे? क्यों, अब्बा बंदा डरे ना डरे उसको डराना चाहिए। बीवियों में उसके आप मेरे बाप पे लड़े, मेरे लिए बात करें उससे, मेरे लिए बात करें ना आप उससे। कुमल बेटा, क्यों लड़ाना चाहती हो तुम मुझे? ताकि पता चले ना कि उसका इरादा क्या है। आप प्रोवोक कर रहे हो उसे ताकि वो बताए। क्या वो बताएगा? इतनी आसानी से नहीं बताएगा, वो डरता है, कांपता है मुझसे। But I will not spare him. देखो बेटा, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। मैं क्यों उसके आगे हाथ फैलाऊं? अब्बा आप अभी भी उसके ससुर हैं, मेरे बाप हैं। आप उसकी दूसरी बीवी का बाप कहीं चौकीदार था? क्या हो गया है आपको? Why are you so upset? नहीं, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। आप बात करें उससे। है? बात कीजिए। हेलो उमर, कहाँ हो मियाँ तुम? बंद कर दिया फोन उसने। दोबारा मिलाएं? क्या कर रहे हैं? गिरी जी।
फोन बंद किया हुआ उसने।